दो ट्रक के आमने सामने भिड़ंत में दो हुई घायल, एक हुई मौत। बनारस नेशनल हाईवे पर आज सुबह लंबुआ थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के पास ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर में ट्रेलर और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। लंबुआ क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र शुक्ल ने बताया कि आज सुबह बनारस की तरफ से ट्रैक्टर लादकर लखनऊ की तरफ जा रहे ट्रेलर को लखनऊ की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें ट्रेलर ड्राइवर धम्मौर निवासी सेसमढ़ी द्विवेदी के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि क्लीनर विजय सिंह और पिंकू घायल हो गए। विजय सिंह की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 न्यूज़ प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। सुबह दो पेशेंट मेरे पास 108 से आए, जिसमें पहले को देखा तो वो ब्रॉड डेड था और दूसरे वाले को मामूली चोटी थी लेकिन पैर में फ्रैक्चर था उसको, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उसको प्राथमिक उपचार करके लखनऊ रेफर कर दिया क्योंकि उसका घर रायबरेली पड़ता था, तो इसीलिए। ये थाना लमुआ के अंतर्गत भदैया के पास एक ट्रेलर और एक ट्रक में टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को जिला चिकित्सालय ले आया गया, उनकी मृत्यु हो गई, दो लोग घायल हैं, उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, अन्य जो भी कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है।